जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू एंड ए स्माइल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे MSTCET 2023 एग्जाम के बारे में, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी पीसीएम वालों बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रही है 9 मई 2023 से। तो दोस्तों इसलिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी तसल्ली मिल सकती है और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा खासा जा सकता है। तो कौन सी है, इसके लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और दोस्तों रही बात आपके क्वेश्चंस की काउंसलिंग के लेके, तो दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी आपके काउंसलिंग को लेकर क्वेरीज है, आपको उसे अभी नोट डाउन करना है आफ्टर आपकी एग्जाम। हम आपके साथ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स, इंस्टाग्राम पेज की लिंक्स और फेसबुक पेज की लिंक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जहां पे आप अपने जो भी मन के क्वेश्चंस है काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप वहां पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल आपको आपके जो एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करना है और आपका जो अच्छी एग्जाम है उसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी नोटिफिकेशन है। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं, जो आपका हॉल टिकट है वो कब रिलीज होने वाला है, तो वो लगभग आपका 5 या 6 मई को रिलीज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही प्रोबेबल चांसेस है, क्योंकि जब भी आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है उससे 2 या 3 दिन पहले आपका जो MSTCET 2023 का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो आपको यही नोटिफिकेशन बतानी थी। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, मतलब जिसे हम हॉल टिकट कहते हैं, वो आपका 5 या 6 मई को रिलीज होने वाला है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। तो दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है कि आपका जो MSTCET का हॉल टिकट किस तरह से रहता है, तो प्लीज आपको उसे भी जाके देख लेना है, क्योंकि वहां पे आपको एक आइडिया लग जाएंगी कि आपको कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम सेंटर पे, साथ ही साथ दोस्तों आपका एडमिट कार्ड किस तरह से रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।